उत्तराखंड में हुए रेस्क्यू का असर बिहार में देखने को मिला। उधर टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला गया। इधर एक साथ दिवाली और ईद शुरू हो गई। हम बात कर रहे हैं भोजपुर के सहार प्रखंड के पिहोर गांव के रहने वाले सबाह अहमद उर्फ सैफ की। सैफ पिछले 17 दिनों से उत्तरकाशी के अर्धनिर्मित टनल में फंसे थे। इधर एक एक दिन परिवार में 17 साल के बराबर गुजर रहा था। जैसे ही फोन के माध्यम से परिवार वाले को पता लगा कि सबाह को टनल से बाहर निकाल गया है, वैसे ही परिवार की आंखों में आंसू आ गए और हर लोग की आंख खुशियों से भर आई। टीवी चैनल पर अपने लाडले को सुरंग से बाहर निकलते देख एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां देने का नजारा शुरू हो गया। जबकि सभा के पिता माँ और पत्नी के साथ बेटे की आंखें तब खुशी से डगमगा गई जब लोग सुबह सभा से फोन पर बातचीत किए और वीडियो कॉल पर उनकी तस्वीरें देखे। इस खुशी के मौके पर परिवार उनका कहना था कि उनका लाडला 17 दिनों के जंग जीत कर सुरक्षित घर वापस आ रहा है। इससे बड़ी खुशी परिवार वालों के लिए कुछ और नहीं हो सकी। हमारे घर में एक साथ आज ईद और दिवाली होली का उत्सव मनाया जा रहा है। सभा के पिता ने बताया कि मेरा बेटा आज मौत के मुंह से निकल कर आया है, उसको दूसरा जीवन आज मिला है। मेरे और परिवार के लिए इससे ज्यादा खुशी का दिन दूसरा और नहीं हो सकता। सैफ के पिता इस बार ने बताया कि हम लोग सुबह से ही टीवी और फोन पर चिपके हुए थे। पहले ही हमें जानकारी दे दी गई थी कि आज हमारे लाडले को टनल से बाहर रेस्क्यू किया जाएगा। सुबह से ही हम लोग बेसब्री से इंतजार में थे और शाम में शुभ समाचार हम लोग को फोन और टीवी के माध्यम से मिला। इसके बाद घर में दिवाली और ईद भी छोटा हो गया। इससे ज्यादा बड़ा कोई और त्योहार और पर्व हमारे लिए नहीं हो सकता। टनल से बाहर निकलने के बाद सभा के पुत्र मकरम ने बताया कि पिताजी को अब हम दोबारा इस काम में नहीं जाने देंगे, चाहे वो जैसे भी पैसा कमा लेंगे, लेकिन अब ऐसे काम हम नहीं करने देंगे। वहीं उनकी पत्नी सीबा खातून ने बताया कि मेरे सोहर पिछले 17 दिनों से टनल में फंसे हैं। हम लोग के लिए एक एक दिन 17 साल के बराबर कट रहा था। मेरे लिए इससे ज्यादा और दूसरा कोई खुशी नहीं हो सकती कि मेरा पति सही सलामत मेरी दुनिया में लौट आया। आज बेटा घर वापस आने वाला है, सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे यही कि हमको बहुत खुशी है, जो हमने 18-19 दिन बहुत तकलीफ किया, मेरा दिल दुखा, मगर आज हमको बहुत खुशी है कि मेरा बेटा आ रहा है। मेरा बेटा का 40 मजदूर मेरे बेटा के साथ है। मेरे बेटा से बात होती थी ना, तो मेरा बेटा कहता था कि पापा आप घबराइए मत, मैं बहुत जल्द आऊँगा और मैं 40 मजदूर जो अंदर फंसे हैं वो सबको मैं यहाँ देख रहा हूँ, सब ठीक ठाक है, सबको हम साथ लेके आएंगे। तो आज बहुत खुश हैं कि मेरा बेटा आ रहा है, 40 और आ रहे हैं साथ, हमको खुशी है। इकलौता पुत्र है? हाँ, एक ही बेटा मेरा है, एक ही बेटा है मेरा, इकलौता ही पुत्र है, वो एक ही बेटा है। मेरा दिल ये कहता था कि टनल में 20 दिन फंसे रहना किसी का, एक रूम में आदमी घबरा जाता है 2-4 दिन में, और टनल के अंदर 20 दिन, तो यही सोच सोच के मेरा दिल और घबराता था कि भगवान क्या होगा, खुदा क्या होगा आगे। मगर देखिए आज हमको खुशी मिलने वाली है, मेरा भगवान खुदा मेरे साथ रहा और सबकी दुआएं मेरे साथ रही। रेस्क्यू टीम जो है मेहनत किया, उसका फल मिला, सरकार वहाँ की कंपनी सारे लोग का जो है मेहनत कारगर हुआ, आज हमको खुशी मिलने वाली है। सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा सबका करता हूँ। महसूस कर रहे हैं, 16 दिन से इंतजार कर रहे थे, आज वो इंतजार मेरा पूरा हुआ। पूरे सब लोग की दुआ, पूरे इंडिया की दुआ उन लोगों के साथ थी, पूरे 41 के 41 लोग सब लोग निकले, उनकी माँ की दुआ थी, सही सलामत सब लोग निकल गए। बता नहीं सकते हैं, बयान नहीं कर सकते कि 16 दिन हम लोग के साथ कैसा गुजरा। आंसू है, खुशी ये खुशी की आंसू है।